नानक इस विच गुरु ग्रंथ है दुनिया विच ग्रंथ इको वही हिंदुआ नाल बैठे मुसलमान इस विच दोवें पढ़ते ने बड़े सत्कार दे नाल ओदी गीता ते ओदा कुरान इस विच डूम रासी ते नाई शीबे कबीर जलाहा ते धन्ना करसान इस विच गंगा जी दे कसीरे नूं लोचदी रही वही बेगमपुरे दा शहरी महान इस विच समा आऊ परवानिया वेख लेना शरदा रखूगा सारा जहान इस विच तेरे चरणा दी जिन्हां नूं छोह मिल गई पूजण जोग ओ पातशाह जर्रे हो गए भागा भरी सुभागी आ धरत होई वही जर्रे जिस दे रहमत भरे हो गए जेड़े कणा ने चुमे ने चरण तेरे ते नूर रहमत भर के भरे हो गए ओए सीने खिच परवानिया अज वी ते भावे आया नूं सैकड़े बरे मैं सुनिया उन्हां दा होए इखलाक उच्चा सतगुरु जेड़े तेरी दलीज ते झुक जांदे फिर उन्हां नूं आसां दा बूर लगे ते बूटे जेड़े तकदीर नाल सुक जांदे जीवन लहर फिर उन्हां चों होए पैदा सोमे जिंदगी दे जीदे रुक जांदे शरदा नाल जो तेरे दरबार आवे ते ओहदे गेड़ 84 दे मुक जांदे आओ सब तो पहला सिख जगत फलवाड़ी दे वारस सच दे पंधी प्रीतां दे पहरेदार मुंजां दे माही पाक मसीहा सचियां ते सुचियां आत्मावां दे दिलां दी धड़कण सिख बाग दे ब्रह्मी माली दुखियां दे दारू मजलूमां दे दर्दी सच्चाई ते गुणां दे खजाने वलगे कुल आलम साहिबे साहबा हजूरे अनवर सबरे कायनात फकरे मजदात हजूरे गुरगद्दी दे मालक जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन अरमानां दरबार दी हाजरी भर रहीआं गुरु दीआं प्यारीआं सिख संगतां इको वारी कहण ते रसना नूं करो पवित्र ते आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप धंता दे जोग हो वधाई दे पात्र हो सतगुरां ने महान कृपा कीती महान बख्शिश कीती संत बाबा करतार सिंह जी 108 ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां दी आप 36वीं बरसी मना रहे हो बड़े वड्डे भागां वाले हो मेरे तो पहला मेरे सत्कारयोग वीर महापुरखों का सारा इतिहास आपके सामने वर्णन करके गए ने उन्हां दीआं मिठियां यादां नूं समर्पित समुचे नगर वालों इलाके वालों परसों रोज तो अखंड पाठ पर आरंभ सन आदि तो लैके मध तो लैके अंत तक गुरबाणी पढ़ी गई निर्विघन संपूर्ण भोग पाए गए आप समुचा नगर अरदासां विच शामिल होए हो सतगुरां दे दरगाही हुक्मनामे आप जी ने शरमण कीते हुण कुछ समां दासां दे ढाडी जत्थे नूं नसीब होया मेरे तो पहलां मेरे सत्कारयोग वीर सतनाम सिंह जी मुक्तसर वाले उन्होंने मिठियां सुरां राहीं कीर्तन करके आप जी नूं निहाल कीता मैं बैठा सां उन्होंने अखीर दे उत्ते शब्द पढ़िया जेड़ा शब्द उन्होंने पढ़िया ना वो भादरों सुधी दो संमत 1661 बिक्रमी मुताबक 30 अगस्त 1604 ईस्वी नूं अज तो 416 साल 3 महीने ते 29 दिन पहला पढ़िया गया सी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जेड़ा उन्होंने मेरे तो पहला शब्द पढ़िया ते पढ़िया किने ये शब्द हरमंदर साहिब विखे बाबा बुढ़ा जी ने पढ़िया सी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु आप जी नूं कीर्तन दे राही उन्होंने निहाल किया हुण कुछ समा दास ते ढाडी जत्थे नूं नसीब होया मैं गुरबाणी उत्ते सतगुरां दे पवित्र इतिहास उत्ते आप जी दे नाल विचारां करनियां ने सब तो पहला एक गल कह जावां बई मैं कोई ढाडी बन के जां रागी बन के जां प्रचारक बन के इस नगर दे विच नहीं आया ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚ ਦੱਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਬ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਸੁੱਚ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਲਿਓ
तीन घंटे सुन लो भावे चार घंटे सुन लो तुहाडी अपनी मर्जी है। जो तुसी आखोगे उदो मैं समाप्ति करांगा बेनती कर जावां विद्वान बैठे ने ध्यान देना विद्वाना का नगर है श्री गुरु नानक देव महाराज के नालों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी जिंदगी दे 197 साल 8 महीने ते 7 दिन छोटे सी। जिस दिन गुरु नानक देव महाराज ज्योति जोत समा गए ना उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म 127 साल ते 3 महीने बाद होया सतनाम श्री वाहेगुरु। जिस वेले श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत की दात बख्शिश की ना उदन चेतर सुधी दस विसाख की पहली तरीक संत 1756 बिक्रमी मुताबक 30 मार्च 1699 ईस्वी का दिन से उदन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरु नानक देव महाराज के जन्म हुए 229 साल 9 महीने ते 15 दिन हुए सतनाम श्री वाहेगुरु। जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत की दात बख्शिश की ना गुरु नानक साहब ज्योति जोत समाया 169 साल 4 महीने ते 8 दिन हो गया सतनाम श्री वाहेगुरु। जिस वेले श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू अमृत की दात दी ना उन्होंने सानू सब तो पहला अमृत की दात बख्शिश करके खालसा साज के पंज रहितां रखण वास्ते दित्तियां। गुरु खालसा जी जदों पंज रहितां रखण वास्ते दित्तियां ना ते उन रहितां तों मगरों 4 बजर करहितां भी दसियां और इन्हां बजर करहितां तों बाद खालसे नूं तैयार बर तैयार करके उन्होंने पंज बाणियां अमृत वेले पढ़न वास्ते दित्तियां। जरा ध्यान देना पंज बाणियां पढ़ने वास्ते दित्तियां खालसा जी जप जी साहब जाप साहब सवैये चौपाई ते आनंद साहब पंज बाणियां पढ़ने वास्ते दित्तियां ते दूर अंदेशी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की किटी है। हुण भावें इन्ना समा हो गया सी गुरु नानक साहब नूं ज्योति जोत समाया 169 साल हो चुके सी ते फिर भी जिहड़ी गुरु नानक देव की जोत 10वें पातशाह दे विच सी ना महाराज ने कहा ना पंजां बाणियां दे विचों पहली बाणी भी पढ़न वास्ते गुरु नानक साहब की दित्ती जावे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पहली बाणी जप जी साहब की पढ़न वास्ते दित्ती यह विद्वानां दा नगर है विद्वान बैठे ने ध्यान देना जिहड़ी जप जी साहब की बाणी है ना जप जी साहब की बाणी गुरु नानक साहब महाराज पहले गुरु हन ते पहले गुरु की बाणी है पहले गुरु की बाणी ते पहले गुरु पहली बार अलहाम हुई पहली बार पढ़ के सिद्धल दे नाल गोष्ट की ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच वी इहनूं पहला ही थां मिलिया ते पहल दे आधार ते इस बाणी नूं पढ़िया जांदा आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तुसीं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का भावें 1000 स्वरूप ले आओ जिन्ने अखर एक अंग ते होणगे उन्ने ही दूजे ते होणगे उन्ने ही तीजे ते होणगे 1430 अंग दे उत्ते बराबर ही अखर होणगे। गुरु खालसा जी जप जी साहब की बाणी सस्से अखर तो शुरू होंदी है आरंभता ते 35 अखरां दे विचों ऊड़े तो लैके अड़ाड़े तक 35 अखर हन ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच 35 अखरां चों एक भी इहो जिहा अखर नहीं जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच नहीं आउंदा ध्यान देना विद्वान बैठे ने ते जप जी साहब की बाणी 32 अखरां विच लिखी ने 32 अखरां दे विच और जप जी साहब की बाणी दे विच 3 अखर नहीं आउंदे। गुरु खालसा जी जप जी साहब की बाणी दे विच एक 10वां अखर 35 चों नहीं आउंदा एक 15वां अखर नहीं आउंदा और एक 31वां अखर नहीं आउंदा अखर सतनाम श्री वाहेगुरु। ये 32 अखरां दे विच जप जी साहब की बाणी सुभाएमान है। एक गल होर कह जावां सस्सा अखर 35 अखरां दे विचों चौथे स्थान ते आउंदा है सस्सा अखर ते सस्से अखर तों बाणी आरंभ हुंदी है सतनाम। पहला अखर सस्सा है एक ओंकार तों अलावा सस्से अखर तों बाणी शुरू हुंदी है ते 1430 अंग पढ़ के सस्से अखर ते समाप्ति हुंदी है। खास्ट राग उन गाए
संघ राग ने 30 सभे पुत्र राग गण के 18 10 20 सस्से अखर ते जाके समाप्ति होती है। ते जपजी साहब की बाणी जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहले तौर ते पढ़न नूं दित्ती, जपजी साहब की बाणी पहले अंग तो शुरू होती है ते 8 अंग ते जाके समाप्त होती है। गुरु खालसा जी पहले अंग दे उत्ते 309 अखर हन जपजी साहब दे। जदों मैं दूजे अंग नूं पढ़दा उहदे उत्ते 709 अखर हन, जदों मैं तीजे अंग नूं पढ़दा उहदे उत्ते 699 अखर हन, जदों चौथे अंग नूं पढ़दा उहदे उत्ते 702 अखर, जदों पंजवें अंग नूं पढ़दा उदों भी 702 अखर, जदों छेवें अंग नूं पढ़दा उदों 718 अखर, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ 696 ਅੱਖਰ, ਜਦੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ 452 ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4,977 ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 11 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 11 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਵਾਂ, ਦਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ, ਔਂਕੜ, ਦਲੈਂਕੜ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ 11 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,556 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ 213 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ 541 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 508 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ 475 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ 502 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ 526 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 492 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ 299 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 3,556 ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 57 ਅੱਖਰ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਫਿਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ 49ਵਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ 57 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 102 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 114 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 149 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 116 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 149 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 90 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 117 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਠਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 64 ਅੱਖਰ, ਨੌਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 66 ਅੱਖਰ, ਦਸਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 67 ਅੱਖਰ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 63 ਅੱਖਰ, ਬਾਰਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 63 ਅੱਖਰ, ਚੌਦਵੀਂ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 61 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੀ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਉਹਦੇ 62 ਅੱਖਰ ਤੇ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 60 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 253 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ 138 ਅੱਖਰ, 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 135 ਅੱਖਰ, 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 163 ਅੱਖਰ, 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 102 ਅੱਖਰ, 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ 272 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਉਹਦੇ 82 ਅੱਖਰ, 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 70 ਅੱਖਰ, 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 164 ਅੱਖਰ, 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 172 ਅੱਖਰ ਤੇ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 25 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ 287 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ 441 ਅੱਖਰ ਨੇ।
गुरु खालसा जी 28 पौड़ी के 87 अखर 38 पौड़ी के 90 अखर 30 पौड़ी के फिर 102 अखर पहली पौड़ी 20 पौड़ी के 30 पौड़ी ये तिने पौड़ियां बराबर ने जो 31 पौड़ी पढ़ोगे वो 71 अखर 32 पौड़ी जो पढ़ोगे वो 83 अखर 33 पौड़ी के 92 अखर 34 पौड़ी के गुरु खालसा जी 120 अखर 35 पौड़ी के 167 अखर 36 पौड़ी के 90 अखर जो 37 पौड़ी पढ़ोगे 194 अखर जो 38 पौड़ी पढ़ोगे ना वो 84 अखर ने उस तो बाद 38 पौड़ियां पढ़िया गई उदू बाद लिखा वह स्लोक ससा लले होड़ा कका स्लोक वो 3 अखर ने उदू बाद स्लोक आ जाता पवन गुरु पानी पिता सारे स्लोक का 100 अखर है पूरा 100 मैं बेनती कर जावा जो फिर सारी गिनती करो ना 4977 अखर बनते ने आखो सतनाम श्री वाहेगुरु मैं जपजी साहब का मुतालिया करता करता होर भी ज्यादा ढंगाई दे चले गया जो एदू ज्यादा ढंगाई दे गया ना तो सारे जपजी साहब के ऊड़ा अखर 60 वार आता ऐड़ा अखर 347 वार ईड़ी जी 196 वार ससा 367 वार हाहा 298 वार कका 399 वार खखा 179 वार ते गगा 162 वार जो मैं मुतालिया करता करता खोज करता करता गगे अखर से गया ना तो मेरा गगे अखर के नाल कुछ ज्यादा ही मोह पै गया वैसे तो सारे अखर सत्कार योग ने पर मेरा ज्यादा प्यार गगे नाल पै गया मैं उत्थे एक कविता लिखी वाहो वाह गगा सारे अखर चो वही 35 विच मैं वेख्या शाह गगा गगा गुरु के नाम नू लगदा है मिले किसी भी मुल ना भाग गगा गगा ग्रंथ के नाम नू लगदा है रेहा अन्या नू राहे पा गगा गगा ज्ञान के नाम नू लगदा है अख तीसरी देता है ला गगा वही गगा गर्भ के नाम नू लगदा है देवे पानियों बुत बना गगा गगा गऊ के नाम नू लगदा है समझो दुध भी रहा प्या गगा वही गगा गरीब के नाम नू लगदा है नीवा हो के करे नभा गगा गुजरी मां के नाम नू लग के ते गया जग अंदर शोभा पा गगा गगा गोबिंद के नाम नू लग के ते हुंदे जुल्म सी गया हटा गगा ओए गगा जन्म दे के पंजा टकिया नू गया खालसा पंथ सजा गगा गोइंदवाल के नाम नू लग के ते गया सिखी का धुरा बना गगा गगा गांधी के नाम नू लग के ते फोटो नोटा ते गया लवा गगा गगा गीत के नाम नू लगदा है देवे रोंदिया ताई हसा गगा गुरदयाल सिंह अलमस्त परवानिया कविता लिखनिया गया सखा गगा बेनती कर दवा ऊड़ा अखर 160 वार ऐड़ा अखर 347 वार ईड़ी 196 वार ससा अखर 367 वार हाहा 298 वार कका 399 वार खखा अखर 179 वार गगा 162 वार गगा ओनली 13 वार ते गन्ना 10वां खरिया जिहड़ा जपजी साहब विच आउंदा नहीं बेनती कर जावां चिचा 86 वार शिशा 11 वार जिजा 205 वार चिजा जिहड़ा है वह 6 वार ते नहीं जिहड़ा 15वां अखर आ उह फिर जपजी साहब विच नहीं आउंदा टैंका अखर 16 वार ठठा अखर 15 वार डड्डा अखर 39 वार ढड्डा अखर 2 वार ते पुराना अखर 160 वार तत्ता अखर 337 वार तत्ता 51 वार दद्दा 165 वार तद्दा अखर 61 वार ते नन्ना 370 वार आउंदा है पप्पा 176 वार पप्पा अखर 11 वार बब्बा अखर जिहड़ा पप्पा अखर वो 8 वार बब्बा अखर जिहड़ा ये 60 वार पप्पा 79 वार मम्मा 220 वार ते जइया 31 अखर आ जपजी साहब विच फिर नहीं आउंदा गुरु खालसा जी रारा सब तो वध 424 वार लल्ला 173 वार बाबा जिहड़ा है वह 264 वार ते अड़ाड़ा 28 वार आउंदा है जो फिर सारे अखरां की गिणती करके देखिए ना तो 4977 अखर बनते ने जपजी साहब के मैं बेनती कर जावा मेरे सतगुरु ने सब तो पहला सानू जपजी साहब पढ़ने वास्ते दिता जिहड़े मेरे वीर पाठी ने ना पाठी मैं उन्होंने जानकारी वास्ते एक गल होर दस जावा वही सारे जपजी साहब के पैर चरारे चार लगे हुए ने चार रारे जिन्हों आप कहने ना पैर चरारा लगा आप गुरबाणी पढ़ते आप सत्कार कह दें भी चरना चरारा लगा
महाराज के सारे जपजी साहब के चरणों के चार रारे लगे हुए हैं, विद्वान बैठे ने। पहला रारा जिहड़ा ना, पहला रारा जो आप बाणी शुरू करते, सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सिंह गुरु प्रसाद। पहला रारा प्रसाद के चरणों में लगा हुआ, तो प्रसाद ताई 32 अखर लगे हुए ने पप्पे तक, 32 अखर 19 मात्रा लगिया हुई ने। पप्पे पप्पा जिहड़ा ये 32वां अखर आ, पप्पे के पैर के पहला रारा लगा हुआ, ये तुहानू इत्थे मिल जाएगा। हुण जे दूजा रारा लभना ना, दूजा रारा ते खालसा जी अमृत के चरणों में लगा हुआ, अमृत के अमृत में जिहड़ा मम्मा अखर होंदा उहदे पैर च रारा लगा है। ये जो रारा लगा है चौथी पौड़ी में लगा है, तो चौथी पौड़ी आरंभ होंगी है साचा साहेब साच नाए भाख्या भाओ अपार। चौथी पौड़ी के आरंभ के सस्सा होता है, तो सस्से तो जो मम्मा अखर जी के पैर च रारा लगा ना, मम्मा अखर 17वां अखर है, 17वां मैं बेनती कर जावा, मम्मा अखर 17वां अखर है, उतों तक 60 मात्रा लगिया हुई। जे आप जपजी साहब के आरंभ तो गिणीए ना, तो मम्मा अखर 492 अखर बाद आता, मम्मे अखर की वारी 492 अखर है मम्मा, तो उतों तक 361 हिंसे लगे हुए ने, मात्रा लगिया हुई ने, फिर तुहानू दूजे रारे की प्राप्ति हो जाएगी। जे तीजा रारा लभना ना, तीजा रारा सिमरत के चरणों में लगा है, तो सिमरत के मम्मा अखर आता वो पैर के रारा, तो गुरु खालसा जी ये सिमरत 9वीं पौड़ी में आता है। 9वीं पौड़ी की आरंभता होंगी है सुने ईसर वर्मा इंद, जो सुने सस्से तो लैके 9वीं पौड़ी की आरंभता तक इस मम्मे नूं लभना है, तो उतों तक 42 अखर लगे हुए ने मम्मे ताई, 32 हिंसे लगे हुए ने। जे आरंभ तो गिणीए तो 1009 उतों तक अखर लगे हुए हैं, तो 750 हिंसे लगे हुए हैं, फिर तुहानू तीजे रारे की प्राप्ति हो जाएगी। हुण जे चौथा रारा लभना ने, चौथा रारा ये 38वीं पौड़ी में लगा हुआ है, अमृत के चरणों के 38वीं पौड़ी शुरू होती है, जत पहाड़ा धीरज सन्यार इतों शुरू होती है। इतों शुरू करके जो मम्मा अखर है जी के लगा हुआ रारा, अमृत वाला मम्मा, वो 41वां अखर है मम्मा अखर, तो उतों तक 41 अखर 29 हिंसे बनते हैं। जे आरंभ तो गिणीए तो 4831 अखर लगे हुए ने उतों तक, तो 3472 हिंसे लगे हुए हैं, फिर तुहानू चौथे रारे की प्राप्ति हो जाएगी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। इन्नी मेहनत करके गुरु नानक साहब महाराज ने जपजी साहब तैयार किया, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू पहली बाणी पढ़ने वास्ते जपजी साहब की दी। गुरु खालसा जी इत्थे ही बस नहीं, दूजी बाणी है जाप साहब, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी है, इहदे 199 छंद ने। इस बाणी नूं बाईआं भागां दे विच महाराज ने लिखिया, इस बाणी दे विच 735 नाम अकाल पुरख के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लै, तो जिदे विचों 385 नाम ऐसे हैं जिहड़े तुहानूं क्रांत शरीफ विचों भी नहीं लभणगे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जाप साहब की बाणी के 5773 अखर ने, और जाप साहब के 3283 मात्रा लगिया हुई ने। जाप साहब के 274 पैर में रारे लगे हुए ने। जाप साहब के अद्धे बावे 34 लगे हुए ने, फिर सानू जाप साहब तैयार करके दिता। जिहड़ी तीजी बाणी है ना, इस बाणी का नाम है सवैये, जिहड़े रोज़ पढ़ते हैं 10 सवैये ने, इन्हां 10 सवैया के 970 अखर ने, इन्हां 10 सवैया के 580 मात्रा लगिया हुई ने, इन्हां 10 सवैया के गुरु खालसा जी 29 रारे पैर में लगे हुए ने, इन्हां 10 सवैया के 4 हाहे पैर में लगे हुए ने, फिर 10 सवैये तैयार करके दिते। उदू बाद आ गई चौथी बाणी चौपाई, रोज पढ़ते हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। जपजी साहब आ जिहड़ी चौपाई की बाणी है ना, ये 1154 अखर ने, ये 667 मात्रा लगिया हुई ने, ये 17 रारे पैर च लगे हुए ने, ये 2 अधे हाहे
तिल अते वावे ला के सानू चौपाई की बाणी तैयार करके महाराज ने पढ़ने वास्ते दी। गुरु खालसा जी पंजवीं बाणी है अनंत साहब, ये तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज की पवित्र बाणी है। इस बाणी नूं पढ़ो, ये 4247 अखर हैं, ये 2797 मात्रा लगिया हुई हैं। इस बाणी के 28 रारे पैर लगे हुए ने। ये पंज बाणियां सानू पढ़ने वास्ते मेरे सतगुरु ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत वेले दित्तियां। इन्हां पंजां बाणियां नूं जदों असीं पढ़दे हां ना, इन्हां पंजां बाणियां दे 17121 अखर ने जिहड़े रोज पढ़ के जांदे आ। इन्हां पंजां बाणियां दे विच 10883 मात्रा लगियां होईयां ने। इन्हां पंजां बाणियां दे विच 355 वारे पैर विच लगे होए हन। इन्हां पंजां बाणियां दे विच 37 अते वावे ते 6 अते फाहे ला के पंज बाणियां पढ़न वास्ते दित्तियां। इस बाणी दे प्रथाएं लिखियां होईयां जाग पहर दे तड़के, जाग पहर दे
हमारे निशान है हरे बल हरे जमा सदा को निशान है जिस दिया को दर्जा बनाया सोना बंदा है रह गई कौन सा देवर वीर बैद दिया।
Yeah.